आज का हवाला तलावत किया, उसमें से हम आठवीं आयत पर गौर करेंगे। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अमाल की किताब हमें ये सिखाती है कि इब्तदाई कलीसिया का वजूद कैसे बना, कैसे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया और कैसे खुदा यीशु मसीह के शागिर्द उसकी जमीनी जिंदगी जो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी उसकी मुनादी कैसे करते हैं। और अगर हम इस आयत पर गौर करें तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का मतलब है सच्ची बात या झूठी बात को बयान करना। हम दुनियावी जिंदगी में देखें तो बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जहां पर हमें दुआ की जरूरत पड़ती है, हमें विटनेस की जरूरत पड़ती है। तो बाद में उस बात को सच साबित करने के लिए दो फ्री कैन अपने अपने दुआ पेश करते हैं और जो सच्चाई पर होता है वो भी अपना दुआ पेश करता है और जो उसके मुखालिफ होता है वो भी अपना दुआ पेश करता है। लेकिन यहां पर हमें खुदा यीशु मसीह जो उसकी सच्ची जिंदगी जो उन्होंने अपनी जमीनी जिंदगी को दुनिया में रहकर गुजारा उस जिंदगी के मुताबिक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम मेरे दुआ होगे और जमीन की इंतहा तक तुम मेरे दुआ होगे। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाते हैं कि जब तुम पर रूह कुदस नाज़िल होगा, और रूह कुदस जब नाज़िल होता है तो अगर हम अमाल की किताब के दूसरे बाब की चौथी आयत में देखें तो वहां पर हमें मिलता है और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दोषी। दूसरे बात में हमें ईदे पैंतीकोस पर खुदा पाक रूह उन पर नाज़िल होता है और खुदा यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया था कि जब तक तुम पर पाक रूह नाज़िल ना हो तुम कभी भी मुनादी के लिए ना निकल और उसके गवाह बनने के लिए मुनादी पर ना जाना। दूसरे बात भी हमें खुदा पाक रूह नाज़िल होता हुआ नजर आता है और उनकी जिंदगियों में खुदा बाप और खुदा रूह कुदस काम करता हुआ नजर आता है। अमाल की किताब में हमें तीन बहुत बड़े कैरेक्टर नजर आते हैं, उनमें यूहन्ना, पत्रस और सौल जो बाद में पालूस बना। ये तीन बड़े कैरेक्टर हमें अमाल की किताब में नजर आते हैं। लेकिन आज इन तीनों कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और वो कैरेक्टर है मुकद्दस पत्रस। मुकद्दस पत्रस की जिंदगी को हम जब देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह का इनकार करता है और खुदा यीशु मसीह से इनकार करने के बाद खुदा यीशु मसीह को कहते हैं मुरद के बांग देने से पहले
तुम मेरा तीन बार इनकार करोगे। और ये खुदा का बंदा मुकद्दस पत्रस जब रूह कुदस से भर जाता है तो अपनी जिंदगी को खुदा यीशु मसीह के साथ गुजारने पर पाबंद हो जाता है और उस वादे को जो खुदा यीशु मसीह ने उनसे फरमाया था उनको पूरा करता है। यहां पर हमें गुआ बनने के मुताबिक सिखाया गया। यह खुदा का कलाम खुदा यीशु मसीह ने ना सिर्फ उन शहीदों को कहा कि तुम मेरे गुआ होगे, बल्कि यह सब उन सब के लिए हुक्म है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो उसको अपना हकीकी उस्ताद मान लेते हैं और अपने आप को उसकी शगीदियत में शामिल कर लेते हैं। ये सब उनके लिए ये हुक्म आ जाता है खुदा का कि तुम सारी दुनिया के लिए मेरे दुआ ठहरोगे। और दुआ ठहरने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ताकि हम खुदा यीशु मसीह के हकीकी दुआ बने। और खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजील बयान के 15वें बाब की पहली दो आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। और यहां पर मुकद्दस पत्रस की जिंदगी में हमें फल नजर आता है क्योंकि वो रूह कुदस से भर गए। और मुनादी से पहले जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करें और उसके बाद खुदा पाक को अपनी जिंदगी में शामिल करें। जब तक हमारी जिंदगी में खुदा पाक को मौजूद नहीं है तब तक हम खुदा यीशु मसीह के उस वादे को जो उसने कहा था कि तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे और दुनिया के जमीन की इंतहा तक मेरे गुआ ठहर। हम मुकद्दस पत्रस की जिंदगी में देखते हैं उसकी जिंदगी में दुख मिलते हैं, दुख भरी जिंदगी हमें नजर आती है। जब रोम की हुकूमत पूरे जोर पर होती है तो मुकद्दस पत्रस को पकड़वाए जाने का हुक्म जारी किया जाता है, उसको कत्ल किए जाने का हुक्म जारी किया जाता है। तो मुकद्दस पत्रस मौत से घबराते हुए नजर आते हैं, रोमी सल्तनत को छोड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं। और जब हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं कि वो उनसे मुलाकात करते हैं तो उनसे कहते हैं, अब मैं दोबारा सलीब चढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो मुकद्दस पत्रस उन्हीं लोगों वापस मुड़ते हैं और अपने आप को पेश करते हैं और उसको सलीब चढ़ाया जाता है। अपनी जान का नजराना यीशु मसीह नासरी की खातिर पेश करते हैं और खुदा का बंदा अपने पेशवा अपने मुकद्दस यीशु मसीह की इज्जत करते हुए कहता है कि मैं सीधा सलीब पर कुर्बान नहीं होऊंगा बल्कि उल्टा कुर्बान होऊंगा। और ये मुकद्दस पत्रस की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो उसकी जिंदगी से हमें गुवाही नजर आती है और ये गुवाही हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज करती है कि मुकद्दस पत्रस यीशु मसीह के नाम से भागता हुआ पकड़ा जाता है और यीशु मसीह उसको ईमान में मजबूत करते हैं और वो कुर्बान किया जाता है।
अगर हम ईमान की किताब में देखें तो हमें एक और गुवाही मिलती है, और वो गुवाही स्तिफनस की गुवाही, उसको भी यीशु मसीह नाज़री के नाम से संसार किया जाता है, उसको पत्थर मारे जाते हैं, और हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारी जिंदगी में जब भी दुख आए, जब तकलीफें आए, तो हम यीशु मसीह के नाम से इनकार करने की बजाय अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करने से कभी ना घबराएं। और मुकद्दस पौलुस इब्रानियों के नाम खान उसके 11वें बाब की 35वीं आयत में फरमाते हैं, बास मार खाते खाते मार गए, मगर रहाई मंजूर नाम की, ताकि उनको बेहतर कयामत नसीब हो। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के दुख चाहे जितने मर्जी बढ़ते, हम उन दुखों से नहीं घबराते, हम मार खाते खाते मर जाते हैं, हम अदालतों में घसीटे जाए, हम कोड़े खाएं, हम थप्पड़ खाएं, हमें बेगुनाही के आलम में पकड़वाया जाए, लेकिन हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने अपना जो वादा उसने पूरा किया, वादा किया उसे वो पूरा करेगा। अब मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो, उस वादा को हासिल करने के लिए, उस अपनी जिंदगी को हासिल करने के लिए जरूर है कि हम खुदा यीशु मसीह के हकीकी दुआ बनने के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपनी जिंदगियों के नजराने देने से कभी ना घबराएं। हम यूहन्ना आरिफ को जब देखते हैं तो उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। वो कैद में आखिरी दिनों में अपनी जिंदगी को कैद में गुजारता है और वहां पर खुदा का फरिश्ता उस पर नाज़िल, उस पर जाहिर होता है और यीशु मसीह की सारी बातें जो होने को हैं उस पर जाहिर होता है। और अगर हम मुकाशफा की किताब उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि यीशु की गुवाही नबूवत की रूह है। जब हम यीशु की गुवाही के लिए खड़े हो जाते हैं तो यकीनन हम नबूवत की रूह में होते हैं, हम हकीकी खुशी को हासिल कर लेते हैं और खुदा का कलाम हमें सिखाता है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ये बात, ये आयत हमारी जिंदगी का जेवर बन जाती है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, और हम हमारी जिंदगी में ये आयत एक गुवाही की तरह काम करती है और हम अपनी जिंदगी को दुखों में, मसाइल में, तकलीफों में गुजारने से कभी नहीं घबराते और यहां तक अपनी जिंदगियों के नजराने देने से भी नहीं शर्माते। हमारी रोजमर्रा जिंदगी है, पौलुस रसूल, तोमा रसूल, उनकी जिंदगियों के बाद मसीही खादमीन की जिंदगियों पर जब हम गौर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जो मसीह की खातिर अपनी जिंदगियों को कुर्बान होते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे मिशनरी
मसीह की खातिर कत्ल हो गए हैं और आज हमें खुदावन यीशु मसीह को अपना हकीकी उस्ताद मानने के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी में ये गवाही कायम करने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में चाहे तलवार, चाहे दुख, चाहे काल, चाहे तकलीफें आए, हम कभी भी यीशु मसीह के नाम से मुनकर नहीं होंगे और अपनी जिंदगियों के नजराने पेश करने से कभी भी नहीं घबराएंगे। और खुदा यीशु मसीह जिसने हम गुनाहगारों को बचा लिया, उसकी खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने से कभी नहीं घबराएंगे। और ये हमारा ईमान है और ये हमारा यकीन है कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो खुदा बाप और खुदा पाक भी हमारे साथ 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 चलते हैं। और ये दुख, ये तकलीफें हमें हल्का सा महसूस होती हैं और हमारी जिंदगियों में खुशहाली और खुशखबरी हर वक्त हमारे साथ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जब मेरे नाम से तुम सताए जाओगे तो खुशी करना। तो हमें जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम से सताए जाते हैं तो हमें यकीनन खुशी करने की जरूरत है और अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के नाम से कुर्बान करने की जरूरत है। और जब तक हम जिंदा हैं, इस गवाही को अपने अंदर रखने की जरूरत है और मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के ताबे जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहां खड़े हैं, हमारी जिंदगियां कहां हैं, क्या हम खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द थे जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मसीह यीशु की खातिर कुर्बान किया। बहुत सारे ऐसे मिशनरी, बहुत सारे ऐसे खुदा के खादिम, बहुत सारे ऐसे मुसाफिर आज भी हमारे सामने हैं। क्या हम इस लायक हैं, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि चाहे हमें कुर्बान होना पड़े यीशु मसीह की खातिर, हम इस बात से कभी भी नहीं डरेंगे और कभी भी इस बात का इनकार नहीं करेंगे। बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी बातें, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, बहुत सारे ऐसे वाकयात फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमें मिलते हैं जो मसीहों को तंग किया जाता है, तकलीफें दी जाती हैं, मजबूर किया जाता है कि वो मसीह का इनकार करें। और जो मसीह में मजबूत हो जाते हैं, खुदा पाक रूह उनकी जिंदगियों पर होता है, वो कभी भी मसीह का इनकार नहीं करेंगे और उनकी जिंदगी हकीकी तौर पर यीशु मसीह की जिंदगी की तरह होती है। और क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है, तो मेरी डालियां हो और जो मुझ में पवित्र रहता है वो हमेशा कायम रहता है। और हमें यीशु मसीह में पवित्र रहने की जरूरत है ताकि हम कायम रहें, ताकि हम अपनी जिंदगी को हासिल कर सके। आज सोचने की जरूरत है, आइए चंदा लोगों के लिए खड़े हों, अपने आप को पेश करें। और आज हम वादा करें
मेरी जिंदगी में दुख चैन से भी हो, मेरे सर पर बंदूक हो, तलवार हो, काल हो, दुख हो, तकलीफ हो, मैं कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, उसका हमेशा उसका दुआ बनूंगा, बनूंगी, और जमीन की इंतहा उसकी मुनादी करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहूंगा, रहूंगी, और अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को हकीकी तौर पर असल जिंदगी जो यीशु मसीह ने जमीनी जिंदगी गुजारी उस पर गौर करके उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करूंगा, करूंगी। हम दुआएं को सुनाएंगे, जावे ते जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। हम आंखों को बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ उठाएंगे ताकि हम खुदा पाक रूह, खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की हजूरी को महसूस कर सकें। और आज जो वो हमें बरकत देना चाहता है, जो वो मुझे बरकत देना चाहता है, जो आपको एक एक फर्द को बरकत देना चाहता है, ईमान का तोड़ा देना चाहता है, अपने दाहिने हाथ को उठाकर यीशु मसीह के साथ वादा करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे ताकि दुख में, तकलीफ में, काल में यीशु मसीह के हकीकी गुलाम बन सके। आया नाल चले गए जो खड़े मार चलो देश मौत में जो ललकार गए सदा यीशु दे हो देश मौत में जो ललकार गए सदा यीशु दे कभी भी तेरा इनकार नहीं होगा।
और इस वास्ते आज एक एक फर्द को, एक एक जान को खास तौर पर इस वास्ते नौजवानों को आपकी हजूरी में, आपके पाक लहू में छुपा देता हूँ, पाक उनकी आग की बाढ़ में छुपा देता हूँ, तेरे मसा में, तेरी बरकत में यीशु मसीह छुपा देता हूँ। तेरा पाक कलाम मेरी जिंदगी के लिए, सबकी जिंदगी के लिए यीशु मसीह ईमान का, फजल का, बरकत का बायस बने, हमारा ईमान मजबूत हो दे। यीशु मसीह तेरा पाक कलाम जो बार बार गुदर गुदर को खो देता है, आज हम सब ईमान से भर जाए और तेरे यीशु नाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने से कभी भी गुरेज ना करें। ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।